गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे दो शिव भक्त बाइक सहित नहर में गिर गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। गुस्साए कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाए हुए नेशनल हाईवे पर जाम लगाने का प्रयास किया, जिससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने समझा बुझाकर शिव भक्तों को शांत कराया। बिजनौर SP और SP सिटी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए। आपको बता दें कि सरबनपुर की इस नहर में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। NHAI की यहां बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, उसके बाद भी अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद बरेली के थाना भोजीपुरा निवासी प्रदीप व सुरेंद्र अपने साथियों के साथ बाइकों द्वारा गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। इस जत्थे में 8 मोटरसाइकिल से 16 कांवड़िए सवार थे। जिला बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरबनपुर नहर के समीप जत्थे में से एक FZ बाइक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिस पर दो शिव भक्त सवार थे। जत्था नजीबाबाद से निकलने पर जब उनको अपने दो साथी नहीं दिखे, तब जत्थे के साथियों ने दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद शिव भक्तों को पता चला कि एक बाइक सरबनपुर नहर में जा गिरी। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, कोई गाड़ी सवार व्यक्ति नहर में डूब गया है। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और नहर व आसपास शिव भक्तों की तलाश शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष नजीबाबाद ने तत्काल उप जिलाधिकारी नजीबाबाद को सूचना दी। बहाव तेज व रात्रि होने के कारण दोनों शिव भक्तों का कोई पता नहीं चल पाया। सुबह तक जब शिव भक्तों का पता नहीं चल पाया, तब गुस्साए साथी शिव भक्तों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा करते हुए नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की। तभी क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन ने सभी शिव भक्तों को समझा बुझाकर शांत किया और उनको आश्वासन देकर उनको सड़क से हटा दिया। क्षेत्रीय प्रशासन ने PAC गोताखोर NDRF टीमों को मौके पर बुलाया, जिन्होंने अपना रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। देर शाम तक NDRF टीम के घंटों की मेहनत के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास कुमार आर्य की रिपोर्ट। अरे लाइट मारी है भाई, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो जब आप भेज दिए हैं तो आप किसी को बात नहीं करेंगे। तो आप किसी को पता लगा जाओ कि आप किसान हैं। सर वोट के कारण हमारे दो पुलिस वाले सर आप हमारे कांवड़िए गिरे सर, बताइए सर। और आपकी टीम मौजूदा पे दो आदमियों ने टार्च मारी नदी में, नदी के किनारे देखा, वोट भी नहीं था। वोट के कारण हमारे दो पुलिस भोले घुसते उसमें गाड़ी लेके, सर वोट होता उसके कारण सर बस थे नहीं था सर, वोट नहीं था। हम मौजूद था सर, सर मौजूद थे, हम सर मौजूद थे, पीछे जा रहे थे। आपका वोट नहीं था सर, उसी के कारण हमारे दो भोले सर गिरे। कौन सी नहर सरबन नहर है ये सर आपकी, उसमें दो भोले सर हमारे गिरे हैं। हमें मौजूद आप सर, हमें भोले चाहिए सर, कैसे भी हमारे कहीं भी हो भोले चाहिए हमें सर। सरबनपुर नहर है थाना नजीबाबाद सर, वो बात सही है, मगर हम रात से सर भोले गायब है, हमें सर भोले चाहिए। 12 बजे सर, एक घंटे में दो घंटे में सर भोले नहीं मिले तो सर हम हंगामा कर देंगे सर, सारे भोले मिलके। नहीं सर, आपको दो घंटे के मोहलत दे रहे हैं, सब बोले दो घंटे के अंदर हमारे सारे बोले नहीं मिले, हम रोड पे हंगामा कर देंगे और नहीं तो हम योगी तक जाएंगे। ठीक है, आप हमारी मदद नहीं करोगे, हम ऊपर तक जाएंगे, मीडिया तक जाएंगे। क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटोमोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर, केवल 39,500 में एक साल की वारंटी के साथ, जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा, डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें। कॉल करें 7078820077। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।